तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विक्की, आप सबका नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ अपने चैनल वनप्लस विक्की में स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारा ये चैनल है अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर करने का एक दूसरे के साथ। हमने कौन से फेज से निकल के कहाँ पहुँचे हैं, बहुत सारे खुद गलतियाँ करी हमने, उन मिस्टेक से हमने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं और वही सारी चीज़ें हम यहाँ पे भी आपके साथ साझा करते हैं। तो अपनी आज की जो कहानी रहेगी वो हमारे स्कूल के टाइम की ही रहेगी फिलहाल। जैसे कि लास्ट स्टोरी में हमने अपने टीचर्स के बारे में बताया था कि कैसे वो सपोर्ट करते थे बच्चों का बेस्ड ऑन देयर मेंटल लेवल को चेक करके। वैसे ही आज हम बात करेंगे, जब मैंने क्लास 10th कंप्लीट करी उसके बाद मुझे फर्दर स्टडी के लिए, मोस्टली यही होता है कि आप अगर रिमोट लोकेशन से बिलोंग करते हो तो आपको फिर वहाँ से निकल के बाहर जाना पड़ता है जस्ट टू कंटिन्यू योर फर्दर स्टडी। तो ये वाला सीन मेरे साथ भी था, इसलिए ये बड़ा कंफ्यूजन था कि आफ्टर 10th हमें करना क्या है। ये तो क्लियर था मेरे माइंड में कि मुझे लाइक एनडीए करना था, इंजीनियरिंग वगैरह तो करना नहीं था, तो फर्दर परस्यू करना था वो तो पीसीएम ही लेना था, बट कहाँ से करे, कौन से स्कूल से करे। तो उस टाइम ये होता है ना कि दोस्तों ने यहाँ पे एडमिशन लेना है तो हम भी वही करेंगे। तो ये बड़ा कॉमन है कि मेरे फ्रेंड इस सिटी में जा रहे हैं पढ़ने के लिए तो मैं भी उन्हीं के साथ जाऊंगा। ऑब्वियसली होता भी है, बचपन से आप उनके साथ 10th तक की स्टडी किए तो फर्दर मन में यही आता है। बट यहाँ पे पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज आता है, फाइनेंशियली बहुत सारे इशूज होते हैं। एवरीवन इज़ नॉट दैट मच कैपेबल कि वो अपने बच्चों को भी स्कूल कर सके। मेरे साथ भी यही इशू था, बट स्टिल माय पेरेंट्स डिड देयर बेस्ट। उन्होंने बोला ठीक है, जहाँ बोलो तो वहाँ एडमिशन कर देंगे। तो होते हैं आफ्टर एग्जाम्स फर्दर बहुत सारी जगह पे हम आना जाना शुरू कर दिए, ये स्कूल कैसा है, वो स्कूल कैसा है। तो इसी में से एक स्टोरी हमारी बुक है फ्रॉम द लोकेशन बनारस। तो वहाँ पे एक स्कूल है सनवीम करके, दैट इज़ प्राइवेट स्कूल। बट अर्लियर जब हम फर्स्ट टाइम गए थे तो वहाँ CHS के लिए गए थे, सेंट्रल हिंदू स्कूल BHU। तो उसकी फॉर्म अप्लाई करने थे हमें, सबसे हमारे टाइम में मतलब वन ऑफ द बेस्ट स्कूल हुआ करता था CHS। और BHU से पढ़ना एक ऐसा हो जाता था कि BHU के कैंपस में आफ्टर 10th आप चले गए तो मतलब ये रहा कि अब आपकी लाइफ सेट है। BHU से ही कॉलेज भी कर लोगे, फर्दर अच्छी यूनिवर्सिटी है तो कहीं अच्छी जगह प्लेसमेंट हो जाएगी और लाइफ सेट हो जाएगी। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम गए थे BHU में। बट मेरे साथ 6-7 और दोस्त भी थे हमारे, बहुत अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हैं। तो उनके मन में आया कि चलो एक प्राइवेट स्कूल भी है यहाँ पे सनबीम, उसकी भी एप्लीकेशन फिल कर ही देते हैं। अगर BHU ना हुआ तो सनबीम तो हो ही जाएगा। घूमते घूमते हम सारे दोस्त निकल लिए सनबीम के कैंपस में भगवानपुर वाले ब्रांच के लिए। वाराणसी में भगवानपुर वाले ब्रांच में गए, ऑब्वियसली उस टाइम पे मैं थोड़ा सा पीछे पीछे रहता था, स्टार्टिंग से इंट्रोवर्ट टाइप हो तो बातों को इनिशिएट करने, ये सारी चीज़ें करने में थोड़ी सी झिझक होती थी। तो उन्होंने इनिशिएट किया, एप्लीकेशन फॉर्म लिया, एप्लीकेशन फॉर्म के हमने चार्जेस पे किए। दैट टाइम इट वॉज अराउंड 1000 rupees फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म इन द ईयर 2013 में हमने लिया। फिर फीस वगैरह की बातें हुई तो ईयरली इट वॉज अराउंड 1.5 और 1.75 लाख पर एनम फीस फॉर द क्लास 11 PCM 2013। मेरे को बड़ा कॉन्फिडेंस था, चलो शायद हो जाएगा, दैट विल बी नॉट एन इशू, कर लेंगे मैनेज। फिर उसके बाद हमने कैंपस घूमा,
को एक नहीं होता ड्रीम कैंपस सा लगता है, पहली बार इतनी अच्छी जगह गए और इतने अच्छे कैंपस में चले गए, हम भी पहुंच लिए, बड़ा अच्छा लगा। खैर है, घर पे आके सबको बातें बताई, सब कुछ का, बट कहीं ना कहीं मन में ये चल रहा था कि क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। पेरेंट्स ने बहुत ट्राई किया इधर उधर फाइनेंशियली हेल्प लेने की, बट लास्टली पहली बार लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस किया कि पैसों की वजह से बहुत सारी विशेस पूरी नहीं होती हैं, एंड दिस वाज माय फर्स्ट विश जो पूरी नहीं हो पा रही थी। बस स्टिल मैं देख रहा था, माय पेरेंट्स वर ट्राइंग वेरी हार्ड टू गैदर द मनी, बट मुझे कहीं ना कहीं पता था कि ये एक फाइनेंशियल डेब्ट बनते जाएगा इनके ऊपर, और लॉन्ग टर्म में बहुत पेनफुल रहेगा बिकॉज ऑलरेडी हमारे ऊपर बहुत सारे फाइनेंशियल डेब्ट थे उस टाइम पे। आई जस्ट अंडरस्टूड द पॉइंट, मन में बहुत सारी मलाल आई, जैसा कि वाई कैंट आई परस्यू माय 11th एंड 12th फ्रॉम, मतलब होते हैं ना यार उस टाइम, ऑब्वियसली द वे ऑफ थिंकिंग वॉज लाइक कि सबके हो जाते हमारे क्यों नहीं हो पाते, क्यों इतने, मतलब फाइनेंशियली बैकग्राउंड हमारा इतना क्यों पुअर है, क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आती थी माइंड में, चलते थे। बट द मेजर थिंग विच आई लर्न ड्यूरिंग दैट टाइम कि हाँ जी, पैसों के बिना बहुत सी ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं, लेकिन ये हमेशा ध्यान देना, कई बार हमारे पेरेंट्स हमारे ख्वाहिशों को पूरे करने के चक्कर में अपना सब कुछ लुटाने को भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी ख्वाहिशें भी मत ले लेना जो कि उस समय आपको तो बड़ा इम्पोर्टेंट लगता हो, बट इन फ्यूचर आपको लगे कि यार वो ना भी होता तो मैं बहुत अच्छे से रह लेता। और फिर वो अगर आप उन सारी चीज़ों को नहीं समझ पाते हो तो पेरेंट्स के ऊपर एक बर्डन बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। तो करो, ख्वाहिशें बच्चे ही करते हैं, जिद भी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा पेरेंट्स के फाइनेंशियल बैकग्राउंड को भी समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो हमारे हर एक ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं और उनको भी बड़ा बुरा फील होता है कि हम पूरे नहीं कर पा रहे। बट अगेन लाइफ है यार, बहुत से अप्स एंड डाउन आते हैं, हमारे साथ भी उस पीरियड में यही चलता था, बट देखो मैंने उस चीज़ को छोड़ा, कहीं और से परस्यू किया, तो कहाँ से किया, कैसे किया, आगे की वीडियोस में बताऊंगा। तो एज ऑफ नाउ फॉर डे 3 द लर्निंग इज हमेशा पेरेंट्स के फाइनेंशियल इश्यूज को अंडरस्टैंड करने हैं और कुछ ऐसी ख्वाहिशें नहीं रख देनी उनके सामने जो वो पूरे तो करे लेकिन कहीं ना कहीं उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे विद दिस गुड थॉट, बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर।